नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सारथी टेक्नोलॉजी की वॉली लाइब्रेरी ट्यूटोरियल सीरीज़ में। और इस वीडियो में हम जेसन रिक्वेस्ट के बारे में सीखेंगे। तो क्योंकि हमारे पास कोई अपना वेब सर्वर नहीं है, तो इसलिए एक जेसन फाइल को ढूंढते ढूंढते मैं पहुंचा हूं यहां पर, फाइल sample.com। और यहाँ पर मुझे इस यूआरएल में एक जेसन फाइल मिला है। तो आइए इसी फाइल को हम अपने प्रोजेक्ट में रिक्वेस्ट करके देखते हैं। तो जो जेसन ऑब्जेक्ट है उसका एक कंस्ट्रक्टर है जिसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं। यह है जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट और इसके कुछ पैरामीटर्स हैं। तो पहला है HTTP मेथड, जो गेट हो सकता है, पोस्ट हो सकता है। उसके बाद URL है, फिर एक जेसन रिक्वेस्ट है। ए जेसन ऑब्जेक्ट टू पोस्ट विद द रिक्वेस्ट, नल इंडिकेट्स नो पैरामीटर विल बी पोस्टेड अलोंग विद रिक्वेस्ट। तो अगर हमें कोई पोस्ट मेथड में कुछ ऐड करके भेजना हो तो हम इसका यूज़ करते हैं, अदरवाइज इसे नल रखते हैं। और अपने एग्जाम्पल में भी हम इसे नल ही रखने वाले हैं। उसके बाद दो लिसनर हैं, एक रिस्पॉन्स के लिए और एक एरर के लिए। तो आइए एंड्रॉयड स्टूडियो में चलते हैं और इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। यहाँ पर पिछले प्रोजेक्ट के जैसे ही हमारे पास एक बटन है और एक टेक्स्ट व्यू है। ठीक, मेन एक्टिविटी में सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग यूआरएल बनाएंगे। और यहाँ पर उसका URL, तो URL हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट। URL के बाद रिक्वेस्ट क्यू, और यहाँ पर रहेगा दिस। रिक्वेस्ट क्यू के बाद हम बनाएंगे जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट। और यहाँ पर पहला है मेथड, सो मेथड होगा गेट। उसके बाद URL, तो URL। इसके बाद जो तीसरा आर्गुमेंट है वो है जेसन रिक्वेस्ट का, तो हम इसे रखने वाले हैं नल। इसके बाद लिसनर, और यहाँ पर सेमी कॉलन। अब एक चीज़ हमारे पास और आती है कि हम इस जेसन ऑब्जेक्ट का करेंगे क्या। तो वैसे जेसन ऑब्जेक्ट को जावा में कन्वर्ट करना हो या जावा को जेसन में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हमारे पास एक जीसोन लाइब्रेरी है, उसका यूज़ हम करते हैं। लेकिन क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है तो उसको मैं यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना चाहूँगा, इसलिए हम इस जेसन ऑब्जेक्ट को टेक्स्ट व्यू में ही शो कर देते हैं। तो उसके लिए रिस्पॉन्स डॉट टू स्ट्रिंग,
एरर के लिए भी। और सबसे लास्ट में बटन का ऑन क्लिक लिसनर। और यहाँ पर क्यू डॉट एड, तो आइए इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया है और अब हम क्लिक करेंगे इस सेंड बटन पर और यहाँ पर हमारे पास ये है जेसन ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये था एक एग्जांपल जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट का। अगले वीडियो में हम कुछ और सीखेंगे, तो तब तक के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।